नमस्कार, सेवन आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और बात करेंगे हमारी खास खबर यानी पर्यावरण की। विश्व पर्यावरण के अवसर पर इस बात को लेकर चिंताएं स्पष्ट देखने और सुनने को मिली कि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति कही जाने वाली मनुष्य प्रजाति बहुत तेजी से प्रकृति और पर्यावरण के लिए ही खतरा साबित होती जा रही है। केवल अपने ऐश्वर्य वैभव और तथाकथित विकास के लिए जो विनाश लीला मनुष्य ने वैश्विक स्तर पर मचाई है वह निंदा के योग्य ही है। हम यह नहीं कहते हैं कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि विकास प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर तो कतई नहीं स्वीकारा जा सकता। इस सत्य को जितनी जल्दी हम समझ लें हमारे लिए ही नहीं बल्कि जीव मात्र के लिए उतना ही अच्छा है। बिगड़ते और दम तोड़ते पर्यावरण का सीधा प्रभाव गर्मी के मौसम में बढ़ रहे तापमान और घट रहे पानी के रूप में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हालात यह हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जंगल घट रहे हैं और पानी के प्राकृतिक स्रोत तेजी से दम तोड़ते चले जा रहे हैं। भारत भी इन विसंगतियों से अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी धरती बेतहाशा तपने लगी है और पानी को लेकर चारों ओर हाहाकार मचने लगा है। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 80 से ज्यादा बड़े जलाशय सूख चुके हैं। यह वे जलाशय हैं जो अपने आसपास की बड़ी आबादी को उसकी जरूरत का पानी उपलब्ध करा रहे थे। पानी की उपलब्धता की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश के 30% यानी कि 120 शहर भयंकर पेयजल संकट की चपेट में आ गए हैं। बिगड़ते पर्यावरण के चलते इस बार प्री मानसून की बारिश कुछ हद तक कम रही, इससे तापमान और अनियंत्रित हो चला है। उस पर चुभने वाली खबरियां भी मिल रही है कि यदि मानसून में जरा सी भी देरी हुई तो पानी को लेकर हाहाकार और ज़्यादा विकराल हो सकता है। अब तक हालात इतने बदतर हो चले हैं कि कई शहरों में पानी 3 अथवा 4 दिन के अंतर से आपूर्ति हो रहा है। मध्य प्रदेश के बड़े माने जाने वाले बांधों तवा, ओंकारेश्वर और बरगी में पानी की भारी कमी दर्ज की जा चुकी है और यह सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकांश तालाबों, स्टाफ डैमों के कैचमेंट एरियों पर स्थायी अतिक्रमण हो चुके हैं। इससे भी जल स्रोतों में सूखे का कब्जा बढ़ा है और प्रचंड गर्मी रौद्र रूप धारण करती जा रही है, जिससे मनुष्य ही नहीं अब पशु और पक्षी भी बेहाल नजर आने लगे हैं। इसे जल संकट की इंतहा नहीं तो और क्या कहा जाए कि दतिया जिले में 2 सगे भाई पानी का परिवहन करने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गए और उनकी हृदय विदारक मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बिगड़े हालातों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पर्यावरण और जल संकट के मामले में राजधानी भोपाल के हाल भी कतई अच्छे नहीं हैं। यह वह भोपाल है जहां मध्य प्रदेश की सरकार बैठती है और प्रत्येक विभाग का अधिकारी यहां से शासन का संचालन करता है। जाहिर है जल, पर्यावरण, प्रकृति, जंगल, जमीन, जानवर आदि से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी और मंत्री भी यहीं पर विराजते हैं। इसके बावजूद भोपाल लगातार गर्म हो रहा है और पेयजल की दृष्टि से संकट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारणों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि राजधानी में केवल 5 साल के भीतर 40 साल पुराने 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। केवल 10 सालों के भीतर यहाँ 25% से ज़्यादा हरियाली नष्ट की जा चुकी है, जबकि आबादी में 5 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोढ़ में खाज के हालात पौधारोपण से संबंधित विभागों ने बनाए हैं। यहाँ पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने पौधारोपण जमीन पर कम और कागजों में ज़्यादा किया है। विकास के नाम पर हर कहीं सीमेंट कंक्रीट के रोड बिछा दिए गए, जिससे धरती के अंदर पानी का बैठना कम हुआ और जमीनी तापमान बढ़ने के हालात बनते चले गए। भोपाल के बड़े तालाब को यहाँ की पहचान के रूप में जाना जाता है, जबकि यही सबसे ज़्यादा बेहाल और बदतर स्थिति में देखा जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े तालाब का जल स्तर डेड स्टोरेज के स्तर से भी 0.5 फीट नीचे जा चुका है, यानी कि अस्तित्व के लिहाज से भोपाल का बड़ा तालाब खतरे में है। इसे बचाए जाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। राजधानी के बाकी तालाबों की बात ही क्या की जाए, इन सभी के चारों ओर अवैध निर्माणों ने इनके कैचमेंट एरिया को तबाह कर दिया है। फलस्वरूप तालाब प्यासे ही रहने को अभिशप्त हैं, तो फिर यह मनुष्य समेत अन्य जीवों की प्यास बुझाएं भी तो कैसे।
नतीजा यह सामने है कि समूची राजधानी का भूजल स्तर हर साल लगभग 2 फुट नीचे सरकता जा रहा है। वहीं विभिन्न तालाबों में सीवेज का गंदा पानी मिलने से प्रदूषण जमीन के ऊपर ही नहीं इसके भीतर भी पहुंचकर अंदर के पानी को दूषित करने में लगा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि अनेक इलाकों में लोगों को पीने के लिए साफ तो साफ दूषित पानी भी मैसर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आसानी से सरकारों में बैठे भ्रष्ट अफसरों को दोषी करार दिया जा सकता है, क्योंकि मनुष्यों के बीच यही ऐसी प्रजाति है जो भूमि माफियाओं से मिलकर हरियाली से आच्छादित जमीन को रिहायशी इलाकों में तब्दील कर देती है। और देखते ही देखते जिन स्थानों पर हरे भरे पेड़ होते हैं वहाँ कुछ ही समय में कंक्रीट का जंगल नजर आने लगता है। लेकिन पर्यावरण, प्रकृति और जल उपलब्धता की इस दुर्दशा के लिए हम ही व्यक्तिगत रूप से कम जिम्मेवार नहीं हैं। हमें भी जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण को लेकर जागरूक ही नहीं सक्रिय होना होगा, तभी हम कम से कम अपने देश के बढ़ते तापमान, घटती हरियाली और दूषित होते पानी को नियंत्रित कर सकेंगे। वैसे भी यह कहावत बहुत पुरानी है कि जिस शहर अथवा राज्य के नागरिक जागरूक नहीं होते हैं वहाँ पर केवल और केवल अनिष्ट की कामना ही की जा सकती है। यदि हमें इन प्रतिकूल हालातों पर विजय हासिल करनी है तो पर्यावरण और प्रकृति के हित में एक कदम हमें भी आगे बढ़ाना ही होगा। 7i के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।